हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 5 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। वे कहती है रेन से कि मैं पीपाई को पसंद करती हूँ और मेरा भाई पीसॉम भी पीपाई को पसंद करता है, इसलिए अगर मैंने पीसॉम से नंबर मांगा तो वो मुझे पायो का नंबर नहीं देगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पीपायो का नंबर दो। क्या तुम्हारे पास पीपायो का नंबर नहीं है? ये जानने के बाद कि सब पायो को पसंद करते हैं, रेन काफी ज्यादा परेशान और काफी ज्यादा जेलस हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं रेन के घर का, जहाँ पर पायु आया होता है रेन को पिक करने, क्योंकि रेन और पायु यहाँ से मूवी देखने जाने वाले होते हैं। रेन अब भी कॉलेज वाली बात को लेकर काफी ज्यादा जेलस और परेशान होता है। वो पायु को गुस्से में देखता है और मुंह बनाने लगता है। इस पर पायु कहता है रेन से कि तुमने अपने माउथ में क्या स्टफ किया है, तुम्हारे मुंह के अंदर क्या है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मुंह से निकाल दूं? पायु का मतलब, तुमने अपना मुंह ऐसा क्यों बनाया है? पायु कहता है, क्या बात है। रेन अभी भी गुस्से में पायु को देखता है। अब पायु है इतना हैंडसम कि सब उसे पसंद करते हैं, इसमें बेचारे पायु की क्या गलती? पर रेन काफी ज्यादा गुस्सा होता है पायु पे। रेन कहता है, कुछ नहीं, मैं बस किसी के बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होने से नाराज हूँ। यहाँ पर पायु को रेन अट्रैक्टिव कहता है और रेन मुंह बना लेता है। इस पर पायो कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम अब मूवी देखने जाना नहीं चाहते? इस पर रेन कहता है, ऑफ कोर्स मैं जाना चाहता हूँ। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि एग्जाम के खत्म होने के बाद हम मूवी देखने जाएंगे। इस पर पायो कहता है, तो फिर तुम स्माइल दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा बॉयफ्रेंड हैप्पी दिखे। ये सुनने के बाद रेन एक लंबी सी स्माइल देता है और पायो को कहता है, पायु कहता है इस पर, रेन क्या तुमने आज तक अभी बिग बाइक चलाई है? रेन नाम में सिर हिलाता है। फिर पायु कहता है, तो फिर बिग बाइक के पैलियन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रेन का पायु का मतलब, तो फिर क्या तुम कभी बिग बाइक के पीछे वाली सीट पर बैठे हो? इस पर रेन नाम में सिर हिलाता है। फिर पायु कहता है, तो फिर आज तुम्हारा चांस है। ये सुनकर रेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है सच में। फिर पायु रेन को एक क्यूट बॉयफ्रेंड की तरह हेलमेट पहनाता है और काफी ज्यादा केयरिंग दिखता है। यार, इसी सब क्यूटनेस और लवली सीन्स की वजह से मैं बीएल सीरीज के लिए बहुत ही ज्यादा पागल हूँ। फिर रेन बाइक पर बैठ जाता है और पायु रेन को अब पकड़ता है और उसका हाथ अपने कमर पर रखता है और कहता है, ठीक से पकड़ ला, होल्ड टाइट। अगर तुमने गलती से भी कोई और चीज को टच कर लिया तो मैं तुम्हारी गारंटी आज रात के लिए नहीं दे सकता कि तुम्हारे साथ आज रात क्या होगा। मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं दूंगा। यहाँ पर पायु की नोटी बातें चालू हो जाती हैं। फिर रेन पायु को मारता है। रेन कहता है पायु से, क्या ऐसी कोई भी चीज़ है जो तुम्हें नहीं आती, तुम नहीं कर सकते? इस पर पायु कहता है, जलन क्यों? फिर रेन पायु को मारता है। पायु कहता है, मेरा कहने का मतलब, तुम मुझे ऐसे हिट क्यों कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब है कि तुम बहुत ही ज़्यादा जेलस होगे। इस पर रेन पायु की तरफ किशन वाली आंखों से देखता है। पायु कहता है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास इतना ज्यादा कैपेबल बॉयफ्रेंड है, इस वजह से तुम जेलस तो हो गए ही, तुम्हारे पास मेरे जैसा कैपेबल बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर एक क्यूट सी स्माइल देता है। फिर पायु कहता है, होल्ड टाइट। और फिर यहाँ से पायु और रेन चले जाते हैं अपनी मूवी देखने के लिए, अपने फर्स्ट डेट पर। रेन पायु के साथ उसके बाइक पर बैठा होता है और रेन की नॉटी हरकतें भी चालू होती हैं और पायु उसे वहां पर रोकता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहां पर पायु और रेन जाते हैं मूवी देखने के लिए। मूवी खत्म हो जाती है और वो बाहर आते हैं थिएटर से और वो अपनी बातें करते हैं। पायु कहता है रेन से, क्या तुम्हें भूख लगी है? रेन कहता है, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। पायु कहता है, तो तुम क्या खाना चाहते हो? रेन पायु को देखता है और फिर कहता है, तुम मेरी इतनी केयरिंग क्यों कर रहे हो? इस पर पायु कहता है, क्या मैं ये सब चाहता हूँ? इस पर रेन कहता है, अगर मैं इन सब बातों से बिगड़ गया तो? पायु कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें सही कर दूंगा। इस पर रेन कहता है, कम ऑन, मैं एक गुड बॉय हूँ, मैं ऑबिडियंट भी हूँ और मैं तुम्हारी पीठ पीछे बात नहीं करने वाला, मैं तुम्हें कुछ भी उल्टा नहीं बोलने वाला। और रेन यहाँ पर मुंह बना लेता है। इस पर पायु कहता है, ओ तुम क्या? पायु कहता है, तुम अब क्या चाहते हो? प्लीज तुम ऐसा फेस मत बनाओ, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें आज हैप्पी देखना चाहता हूँ। तुम क्या खाना चाहते हो? इस पर रेन कहता है, मैं कोरियन फूड खाना चाहता हूँ। पायु कहता है, रियली, कोरियन फूड? रेन कहता है, हाँ। पायु कहता है, तुम तो पहले से ही कोरियन बॉय दिखते हो। पायु और रेन एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तभी
पायो और रेन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर स्काई आ जाता है और स्काई पायो रेन को साथ में देख लेता है। स्काई कहता है, हे रेन और पी पायो भी, और वो भी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। फिर रेन स्काई को देखता है और वो तुरंत पायो का हाथ छोड़ देता है। फिर रेन कहता है स्काई से, स्काई तुम यहाँ मूवी देखने आए हो क्यों? स्काई कहता है हाँ। फिर रेन कहता है, क्या तुम्हें मूवी पसंद आई? और तुम्हारा पॉपकॉर्न कैसा है? क्या इसका फ्लेवर सही है? यहाँ पर रेन स्काई से बात छिपाने की कोशिश करता है। रेन स्काई को हाथ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और स्काई वहां पर स्माइल देता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पायो स्काई रेन तीनों साथ में बैठे होते हैं रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर रेन काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है स्काई को देखकर। स्काई कहता है रेन से कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? इस पर रेन कहता है, वेल मैं वो बात यह है कि मैं पी पायो को डेट कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद स्काई स्माइल देता है और कहता है, रेन मुझे यह सब पहले से ही पता है। रेन कहता है, तुम्हें कैसे पता? इस पर स्काई कहता है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे यह सब तभी पता चल गया था जब तुम अपने फ़ोन में देख रहे थे, वो भी पागलों की तरह। तुम अपने फ़ोन में पागलों की तरह देखकर स्माइल दे रहे थे। रेन को देखता है और वो भी वहाँ पर स्माइल देता है। फिर स्काई कहता है आगे, और तुम पहले पे को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कमिटेड थे, पर बाद में तुम्हें पे पसंद नहीं आई। मैं तुम्हें समझ गया तभी कि तुम पी पाई को पसंद करते हो। तुम्हारे पे के साथ बर्ताव को देखकर मैं समझ गया था कि इसके पीछे पी पाई का ही रीज़न है, और मुझे तुम्हारे और पी पाई के रिलेशन के बारे में पता चल गया था। पर मैं बस वेट कर रहा था, मैं चाहता था कि ये सब बातें तुम मुझे खुद बताओ। अगर तुम मुझे ये सब बताने में इसलिए डर रहे थे कि जिसे तुम डेट कर रहे हो वो पी पायो है और वो एक मैन है, तुम जिसे डेट कर रहे हो वो एक मैन है और इसलिए तुम मुझे ये सब बताने के लिए डर रहे थे, तो तुम सचमुच में बहुत ही बड़े पागल हो। स्काई को ही देखने लगता है। स्काई कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मॉम नहीं, मैं बस तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। और फिर स्काई नाराज़ हो जाता है। फिर रेन स्काई का हाथ पकड़ता है, रेन स्काई को मनाने की कोशिश करता है, कहता है स्काई से, स्काई आई लव यू। इस पर स्काई कहता है, मुझे आई लव यू बोलने से पहले प्लीज़ तुम्हारे सामने जो मैन बैठा है वो पाई की बात करता है। स्काई कहता है, तुम्हारे सामने जो मैन बैठा है उसे एक बार देख लो, उसके बाद तुम कहना। इस पर पायो कहता है कि मैं बिना बात के बिना किसी वजह के जेलस नहीं होता, मुझे पता है कि स्काई रेन का बेस्ट फ्रेंड है। फिर पायो स्काई से कहता है, सो रेन का बेस्ट फ्रेंड क्या मुझे ये बता सकता है कि ये पे कौन है? ना कहने के बाद पायो रेन की तरफ देखने लगता है। क्यों? पायो के ऐसे पूछने से रेन काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है और स्काई वहाँ पर स्माइल देता है। फिर रेन स्काई को टेबल के नीचे पैर से मारता है ताकि वो पायो को कुछ ना बताए। फिर स्काई कहता है, बात ये है कि पी पायो। तभी रेन कहता है स्काई को, रेन स्काई को रोकता है और कहता है, तुम इसे भी खाओ, ये टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और इसे तुम इसे भी खा सकते हो। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ आया था तो मैंने इसे भी टेस्ट किया था, ये डिश काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। इस पर पायो कहता है, लास्ट टाइम पर मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, तुम मेरे साथ यहाँ पर पहली बार आए हो क्यों? इस पर स्काई कहता है, पी पायो रेन का कहने का मतलब रेन ने इस रेस्टोरेंट के दूसरी किसी ब्रांच में इस डिश को टेस्ट की होगी, इसी बारे में रेन बात कर रहा है। रेन काफ़ी ज़्यादा पैनिक परेशान होता है, उसे लगता है कहीं पे की बात को लेकर पायो से नाराज ना हो जाए, और फिर रेन वहाँ पर पानी पीने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पायो होता है वॉशरूम में और वो रेन की बात को याद कर स्माइल देता है। फिर सीन दिखाते हैं पायो और रेन के पहले काम, जहाँ पर रेन कहता है पायो से, पी पायो प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, बिलीव करो, मेरे पास अब पे के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इस पर पायो कहता है, पर तुम तो मुझे इसलिए परस्यू करना चाहते थे, तुम मुझे इसलिए पाना चाहते थे क्योंकि तुम किसी को दिखाना चाहते थे, तुम पे को दिखाना चाहते थे कि मैं एक बर्ड बॉय हूँ क्यों? इस पर रेन कहता है, कौन, किसने कहा कि तुम बैड हो, कौन ऐसा कह रहा है? रेन कहता है पायो से, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, हैंडसम हो, कूल हो, सुपर कूल हो, और तुम तो मेरे डिपार्टमेंट के भगवान हो, सब जूनियर्स तुम्हारी पूजा करते हैं। यहाँ पर रेन स्काई को अपनी बातों से बटर लगाता है। रेन आगे कहता है, तुम मेरे बिलीवेड बॉयफ्रेंड हो। कैसी बातें सुन, स्काई ये सब काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है और वो स्माइल देता है। फिर रेन कहता है पायो से, प्लीज़ मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ।
इस पर स्काई कहता है, हे भगवान, मेरा दोस्त तो सिली पागल हो गया है बॉयफ्रेंड मिलने के बाद। इस पर रेन स्काई को गुस्से में देखता है और कहता है, नॉइसी। इस पर स्काई कहता है, क्या तुमने क्या बोला अभी? फिर रेन कहता है पायु से, पीपायु तुम खाओ, क्या मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला दूँ? तुम्हें कौन सी डिश पसंद है? इस पर पायु कहता है, हाँ तुम मुझे खिलाओ। और रेन यहाँ पर पायु को खिलाता है। पायु इन्हीं सब बातों को याद कर स्माइल दे रहा होता है। वो वॉशरूम में होता है, तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं, जिसमें से एक कहता है कि तुम सीरियस हो? तुम सच में रेस के लिए तुम्हें इन्विटेशन मिला है? पायु वहाँ पर उन सब की बात सुनता है, क्योंकि ये सब बातें रेस के बारे में होती हैं। तभी दूसरा लड़का कहता है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? मेरे डैड की वहाँ पहचान है मिस्टर पैकिन से, और वो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। वो लड़का कहता है, क्या सच में? पर क्या ये बात सच है कि ये रेस इनलीगल गैर कानूनी है? इस पर वो लड़का कहता है, लोग डरते हैं मिस्टर पैकिन के नाम से, तो तुम्हें क्या लगता है उन्हें कौन अरेस्ट कर सकता है? तभी ये सब पायु सुनता है और पायु गुस्से में उस लड़के की तरफ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता इस रेस का गोल्डन रूल है कि तुम इसके बारे में पब्लिक में कहीं भी किसी से भी बात नहीं कर सकते? और यहाँ पर पायु काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस लड़के को देखने लगता है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर रेन पायु का वेट कर रहा होता है। पायु रेन के पास जाता है, रेन पायु को देखता है, उसका मूड ख़राब है। रेन कहता है कि पायु क्या बात है, तुम्हारा मूड इतना ख़राब क्यों लग रहा है? इस पर पायु कहता है, रेन कहता है, या फिर तुम अब भी पे की बात को लेकर अपसेट हो? इस पर पायु कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी जस्ट कुछ अजीब लोगों से मिला था पर मैंने उनसे डील कर ली है। रेन कहता है, सो अब तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? पायु कहता है, मैं क्या तुम पर आज तक किसी बात को लेकर नाराज़ या गुस्सा हुआ हूँ? जब तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को हमारे बारे में बताया, उससे पहले मैं इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं हुआ था। पायु का मतलब कि उसने स्काई को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताया है। इस बात को लेकर पायु काफ़ी ज़्यादा खुश है। फिर रेन कहता है, इस पर रेन कहता है, सो तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब बातें यानी हमारे रिलेशनशिप के बारे में ये बात उनसे सीक्रेट क्यों रख रहा था? इस पर पायु कहता है, वेल मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डर था कि अगर तुमने इस सब के बारे में हमारे पायु का मतलब कि हमारे रिलेशन के बारे में तुमने किसी को बताया तो उनका तुम्हारे तरफ देखने का नज़रिया बदल जाएगा, इसलिए तुम किसी को नहीं बताना चाहते थे। इस पर रेन कहता है, हाँ ये बात सच है, मुझे डर था कि अगर अचानक से स्काई को ये बात बारे में पता चला कि मैं किसी लड़के को पसंद करता हूँ तो ये जानकर स्काई शायद चेंज हो जाएगा मेरे लिए। बट एनीवे, मैंने तो पहले से ठान लिया था कि मैं उसे ये सब बता के रहूँगा, और मैंने मन भी बना लिया था अगर वो मेरी बात को नहीं समझेगा तो मैं उसे लास्ट तक मनाने की कोशिश करूँगा जब तक वो मेरी बात को मान नहीं जाता। सुनने के बाद पायु रेन के गाल खींचता है क्योंकि रेन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। रेन कहता है, क्योंकि मैंने दोनों चॉइस को चूज़ किया है, चाहे वो तुम्हारी वाइफ बनने की हो या फिर तुम्हें मेरा हस्बैंड बनाने की, मेरी दोनों ही चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे कितना भी ज़्यादा बुले करो, परेशान करो, मैं तुमसे कभी भी ब्रेकअप नहीं करने वाला। मैंने बहुत मेहनत की है तुम्हें पाने के लिए। अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। क्या मैंने सच कहा? राइट। पायु सब सुनता है और फिर पायु रेन की मॉम को कॉल करता है और कहता है, हेलो मामा, मैं पायु बोल रहा हूँ, प्लीज़ आज रात को रेन को मेरे घर पर सोने के लिए अलाउ कर दीजिए। रेन की मॉम कहती है, ओके। फिर पायु कहता है, थैंक यू सो मच, और इसके बाद पायु कॉल को रख देता है। पायु रेन के करीब जाता है और कहता है, चलो अब हम घर चलते हैं। कहता है, प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। यहाँ पर पायु का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। फिर रेन कहता है पायु से, तुम चीटिंग कर रहे हो। और फिर पायु रेन के साथ उसके घर जाता है और यहाँ पर पार्ट टू खत्म होता है। तो आगे की इनकी लव स्टोरी और इनके लव वाले गाने पार्ट थ्री में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, योर वॉचिंग, योर व्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye.